घर से लहराता हुआ तिरंगा और मैदान पे एक भारतीय कप्तान, हाथ में विश्व कप की ट्रॉफी। ये मंजर देखे 12 साल गुजर गए, लेकिन इस साल 2023 में एक नहीं दो बार इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है। इसके पहले रोहित शर्मा की भारतीय टीम अक्टूबर नवंबर में ये इंतजार खत्म करे, ये मौका है हरमनप्रीत कौर की भारतीय टीम के पास, जो तैयार है आने वाले T20 विश्व कप के लिए। इंडिया बिलीव्स इन ब्लू, हमारी शेरनिया तैयार है रवाना होने को और हम तैयार है उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। स्वागत करते हैं हमारी भारतीय क्रिकेट टीम का देविका, अंजलि, राजेश्वरी, दीदी, लिल जे, जेनी, कैप्टन हरिदी, रेणुका और राधा। आइए आइए, कप्तान साहिबा, ऑलराउंडर्स हियर, फास्ट बॉलर्स हियर, एक बार फिर से हो जाए तालियां। ओह, व्हाट एन ऑनर। बिलीव इन ब्लू शो का नाम इसलिए क्योंकि 140 करोड़ भारतीय बिलीव करते हैं अपनी टीम में। हैरी, किट बैग में बहुत कुछ भरा है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के प्यार से और उम्मीदों से भार तो नहीं बढ़ गया? नहीं नहीं, अच्छा लगता है जब आपकी पूरी कंट्री आपको सपोर्ट करती है, और आई थिंक इस स्पोर्ट की वजह से हम लोग हर रोज वहाँ पे जाते हैं, हार्डवर्क करते हैं, और इवन जब अच्छा रिजल्ट नहीं आता उसके बाद नेक्स्ट डे जो अच्छा करने की जो उम्मीद है, जो ये इंडियन ऑडियंस हमें आज सपोर्ट कर रही है, ये सब उसकी वजह से होता है। वर्ल्ड कप का एक अलग ही महत्व होता है, और हम अभी इस इंतजार की बात कर रहे थे, 2011 हो गए इंडिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, आपके पास ये पहला मौका है, ये क्या एक अलग फीलिंग होती है चेमी? ग्रोइंग अप द फर्स्ट ड्रीम इज टू वेयर द इंडिया ब्लूज, and I think the second thing all of us dream of is when will we have the opportunity to go out there and lift the world cup. And I remember in 2011, so my house is just opposite Sachin Tendulkar's old house, Sachin's old house. So I remember when he was coming back from there, the entire lane was packed, there was no space to move. I don't know how his car got in, but that was when I saw him then, that was like once in my life at least I want to do something like this for India. So I think that's where the dream came alive, and whenever we've spoken we've always thought of the World Cup and dreamt of that, and from there we are prepared. So yeah. Renuka, aap kahan the? Wadiyon mein? You were part of the matlab Himalaya ki wadiyon mein, kyunki HPCA ki shayad jo pehla batch tha jo residential hostel mein gaya tha uska aap hissa thi ek bahut young age pe, to kuch yaad hai? Were you there 2011 mein? Haan, 2011. कहाँ चल रहा था? एक छोटे से टीवी पे मैच था या उस समय घर पे थी, क्या चल रहा था? नहीं, एक्चुअली उस टाइम फोन में ही देख रही थी क्योंकि हॉस्टल में थे तो टीवी वगैरह इतना था नहीं, तो मैं वो इनकी बैटिंग देख रही थी लास्ट, वो बहुत क्रूशियल अच्छा मैच था, तो बहुत मजा आ रहा था हम लोग। 2011 में मतलब बढ़ रहा है इंडिया, लेकिन इतना अभी तक मुझे लगा एमएस धोनी ने लास्ट छक्का मारा, मुझे पता नहीं धारी थे आप कैसे। हाँ, इसने मुझे इसकी नंबर सेम था लेकिन वो एमएस धोनी का। वेल डन रेणुका, पहली बार तो गलत सिंग हो गई। आएंगे उस नॉक पे भी, बिकॉज उसकी मेमोरीज हम सबके पास भी है कि हम एक थोड़ा दौरे पे थे एंड हम एक फ्लाइट ले रहे थे जब हरमन बैटिंग भी थी और सबको ये था यार कोई अपडेट देता रहे। राधा, 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, वो सचिन तेंदुलकर के घर के पास रहती हैं, आपका शायद कांदिवली में सचिन तेंदुलकर जिम खाना के आसपास घर था, तो हम भी मतलब घर पे सब फैमिली बैठ के देख रहे थे, फ्रेंड्स वगैरह सब। जब वो उन्होंने छक्का मारा उसके बाद सब ढोल पटाखे सब लेके हम गए रोड पे और डांस करने लगे, बहुत मजा आया। आप थोड़े यंगस्टर्स की तरफ आते हैं जो मतलब शायद उतरने वाले हैं वर्ल्ड कप बड़े फाइनल में। देविका, मुझे याद है वो वर्ल्ड कप में मैंने पूरा वर्ल्ड कप मेरे घर पे एक सोफे पे एक कोने में बैठ के देखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं इधर से हिल जाऊंगी, और मैं मॉम को भी वो रूम में नहीं आने देती थी क्योंकि वो जब आते थे विकेट जा रही थी हमारी। मैंने उनको बोला बाहर बैठो, और फाइनल में तो माय ब्रदर वाज कॉलिंग मी होम तो उनके घर पे कि तू आ जा हम लोग मजा करेंगे। फर्स्ट इनिंग में उधर गई, उधर जयवर्धन ने सेंचुरी मार दिया और मैंने बोला नहीं मैं जा रही हूँ। मैंने एक कोने में बैठ के देखा है वो पूरा वर्ल्ड कप, दैट इज द ओनली टाइम आई बंक प्रैक्टिस, और
घर पे बैठ गई है। और किसी का सुपरस्टिशन, किसी का कोई अलग सुपरस्टिशन है? क्योंकि ये सुपरस्टिशन ना ये पूरे भारत का एक है, जो जहाँ बैठे हुए हो सारे इशारे कप्तान की तरह। पहले नहीं, एक्चुअली कोई भी गेम मिल जाए तो जैसे पहले हम लोग प्लेस्टेशन कैरी करते थे, लेकिन अभी ऐसे लगता है कि बहुत सारा सामान होता तो कैरी नहीं कर पाते, तो कोई भी वीडियो गेम मैच से पहले खेलने को मिल जाए तो सारा एग्रेशन जो स्ट्रेस होता है मैच से पहले वाला उस पे निकल जाए। तो अभी आजकल हम लोग खेलते हैं एक साथ अगर टाइम मिलता है, अदरवाइज अकेले। अच्छा, अगर गेम ना मिले तो फिर अग्रेशन किसकी तरफ डायरेक्ट होता है? तो फिर उसको सैटेलाइट हरमन की तरफ कैसे करती है? हां, ऑपोजिशन पे या निकलने से पहले आर यू वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स हरमन की शुरू क्यों नहीं हो रहा मैच? कभी कभी ऐसे होता है, जो भी मेरे आसपास बैठा रहता है, तो मोस्टली ऐसे हम लोग बैटर्स एक साथ बैठे होते हैं, तो कभी स्मृति होती है पास में या फिर शेफाली होती है, तो उनको जाकर कुछ भी बोल देती हूँ, यार ऐसे लग रहा है। तो मुझे ज़्यादा बैटिंग का स्ट्रेस नहीं होता, और किसी का नहीं, टॉस का इतना स्ट्रेस होता है ना जिसको देखो मेरे पीछे घूम रहा होता है, और सीरियसली वो एक टाइम टॉस से पहले का टाइम एक ऐसा होता है कि मुझे ना इनके आंखों की तरफ नहीं देखना, मुझे इनको फेक कॉन्फिडेंस नहीं देना कि हाँ मैं जीत कर आऊँगी, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। कॉन्फिडेंस है ही नहीं है। She lost 11 tosses on a trot. So whenever she comes and wins a toss, na, we're like, "Ye chamatkar kaise ho gaya?" And Harry said, "Come, dekho, main jeet ke aaya." Ek baar maine aise kara, right hand se fingri thi na coin, to hari rahe the, to na pehla match bhi haar gaye, bhi jo Australia ke saath tha na. तो सब मेरी तरफ देख रहे हैं कि आज जीत लेना, कि नाइट गेम में मोस्टली ऐसे होता है कि बॉलिंग पहले आ जाए तो अच्छा है। तो मेरे मैंने मतलब लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर दिया टॉस जीतना, उसके बाद जीती, सारे टॉस जीत गए, तो मेरी तरफ सब देख रहे हैं कि क्या हुआ। मैंने बोला यार मैंने तो फिर अभी चेंज करा, कुछ तो अलग करूं। बाएं हाथ का खेल है हरमन के टॉस। और उस पूरी सीरीज में क्योंकि मैं कमेंट्री पे था, वो ऐसा लगता था अलीसा इली बगल में होती थी, हरमन उसने टॉस जीतना शुरू किया और अलीसा आगे करी आ रही है, यार फिर से टॉस जीत गए। अमेजिंग। MCG लेके चलता हूँ मैं आपको राजेश्वरी, क्योंकि इस बार हम जो पुरुषों का T20 विश्व का फाइनल था वहां पे मौजूद थे, बहुत माहौल जमा था, लेकिन सबकी बातें चल रही थी कि जो वुमेन्स T20 फाइनल था ना उसमें ज्यादा दर्शक थे यहाँ पे। MCG पे जो रिकॉर्ड है, क्या एक अलग ही मोमेंट थी। एक्चुअली अच्छा लगता है जब ज्यादा ऑडियंस रहते हैं मैच देखने के लिए आते हैं, तो क्योंकि पहले जब हमने खेलना शुरू किया था तो उतने कोई मैच देखने के लिए नहीं आता था, तो हम लोगों को ऐसे लगता था कोई नहीं देखता होगा हमारा मैच, पर अब क्राउड देखते तो बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जब क्राउड रहता है तो खेलने के लिए बहुत मजा आता है। क्या चल रहा था, ये जो फीलिंग्स है हरमन थोड़ी बयां करे। बहुत बड़ा दिन था क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे भी था, और बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हम लोग फाइनल खेले, क्योंकि वो एक विमेंस क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि हमारे बॉलिंग यूनिट ने बहुत अच्छा करा था। इवन हमारे बैटिंग हम लोगों ने इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन स्टिल जो लो टोटल्स को भी जो हमारे बॉलर्स कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि हम लोग हर मैच डिफेंड कर पा रहे थे, जितना भी हम रन बना रहे थे, तो आई थिंक एक ऐसे फ्लो चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस दिन हम मैच से एक दिन पहले रात को फील्डिंग कर रहे थे उस टाइम पे भी ऐसे लग रहा था कि स्टेडियम पूरा फुल है, बिकॉज वी गॉट टू नो कि कल सबसे ज़्यादा क्राउड आने वाला है। तो उस दिन से लेके जब तक मैच खत्म नहीं हुआ, इवन घर जाने तक, इंडिया वापस आने तक, एक मोशन था बस, वो उसको फॉलो करते हुए जा रहे थे बस। देखिए 2017 हो या ये फाइनल हो, दस्तक दे रहे हैं, फाइनल में पहुंचे और उम्मीद यही है कि दक्षिण अफ्रीका में हमारी टीम एक स्टेप आगे जाएगी। लेकिन कितना कुछ पता है दीपी, लेट मी स्टार्ट विद यू, क्योंकि आपका निशाना जो है ना, आपका थ्रो जिससे पूरी कहानी शुरू हुई थी, वो एकदम हमेशा पॉइंट पे जाकर लगा। हम बोलते हैं टीम में भाई का खौफ है। कोई भागता नहीं इधर से। खौफ है, बिल्कुल है, मतलब चाहे वो बॉल के साथ आए, मतलब लास्ट ओवर में अक्रॉस क्रिकेट देखते नहीं कि कोई स्पिनर 20वां ओवर डाले उस खौफ के साथ कि सामने वाली टीम को पता है यहाँ नहीं रन बनने वाले दीपी के हाथ में बॉल है। बट जो चीजें चेंज हुई है आपने देखी, और लगभग उस समय आपने खेलना शुरू किया वेयर यू नो हम कस्प पे थे, उस दहलीज पे थे इस टर्न अराउंड के, कितना कुछ बदला है पिछले 5 सालों में आपकी नजरों में? काफ़ी कुछ चेंज हुआ है वुमेन्स क्रिकेट में आफ्टर 2017 वर्ल्ड कप, और जब मैंने स्टार्ट किया था खेलना तो मतलब फैमिली को क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है फैमिली का, और उस टाइम पे सपोर्ट की ज़रूरत थी तब उन्होंने किया, और मेरा पैशन था खेलना, मुझे अच्छा लगता था खेलना, तो वहाँ से सपोर्ट मिला। फिर उसके बाद जब इंडिया टीम में एंटर किया और मतलब सारे सीनियर्स अच्छा मतलब सपोर्ट करते थे, और एक फ्रीडम रहता है कि आपको जो करना है आप कर सकते हो, तो जब फ्रीडम मिलता है तो आप ऑलवेज एंजॉय करते हो उसको।
देखिए क्योंकि रेणुका वो 2017 से ही क्रिकेट को ज्यादा याद रखती है तो आप उसी की तरफ चलते हैं। अब जब अगर कभी समय मिलता है जब आप वापस जाने का मौका शायद उतना ना मिलता हो टीम के साथ आप इतना सफर करती हैं लेकिन जब वापस जाती हैं लोगों की अप्रोच में आपके होम टाउन में ट्रैवल करते हुए मैदानों पे कितना आपने वो फर्क देखा? अभी तो बहुत फर्क है क्योंकि पहले क्या होता था इतना कोई जानता नहीं था मम्मी भी बार बार बोलते थे ऐसा कौन सा क्रिकेट खेलते तो टीवी में नहीं आती है तो अभी काफ़ी चेंज हुआ है तो अभी मैं वापस जाती हूँ ना तो मस्त सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं मेरे स्वागत के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ सब फैमिली गांव वाले मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं तो और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी लाइक अभी मैं गांव गई थी तो एक इतनी छोटी सी बच्ची थी तो कहती दीदी दीदी मैंने आपको टीवी में देखा मतलब वो चीज़ बहुत अच्छी लगी लाइक उन लोगों को भी पसंद आ गया वहाँ काफ़ी छोटे छोटे लोग भी खेलने लगे हैं क्रिकेट बहुत है। मैं तो अपने घर में एक नन्ही सी हमारे जो बिटिया है वो क्रिकेट की इतनी बड़ी फैन है जो खेल रही थी वो स्ने चिल्ला के स्ने राणा कर करके उसका गला खराब हो गया और क्लिप डाली थी उसके बाद आप जब सब इकट्ठे हुए थे ना आप टीवी में दिख रहा था कैमरा मैन की सेल्फी ले रही है वो घर की बीच टेबल पे खड़े होके वो सेल्फी ये जरा दिखाता हूँ मैं और ये अब हम एकदम यू नो उस जनरेशन की बात कर रहे हैं मतलब ये तो शायद बड़े होंगे आप सबकी तरह बनने वाले लेकिन जिन्होंने बहुत लेट देखना शुरू किया क्रिकेट वो भी अब वुमेन्स क्रिकेट को उसी पड़ाव पे रखते हैं। राधा आपको भी ये महसूस हो रहा है आप कैसा चेंज देखती हैं जब कभी घर जाएं या फिर जो रिएक्शंस आपके घर वालों को मिलते हैं कि राधा यार ऑलराउंडर अब तो नहीं जैसे इसने कहा सारे लोग अभी पहचानने लगे और उसमें एक अलग मोटिवेशन मिलती है हमको कि और अच्छा करना है और अच्छा करना है मतलब जब भी हम फील्ड पे जाते हैं तभी भी सारे प्लेयर्स जानते हैं तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलती है। अब तो मोटिवेशन ऐसी है अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कैसे आजकल तो जिम में भी राधा यादव के बड़े बड़े पोस्टर लग गए सब वर्कआउट करते हैं राधा यादव की पावर लिफ्टिंग देखिए वी विल कम टू दैट इन अ मोमेंट लेकिन यही स्टूडियो में चीजें बदलने की हम बात कर रहे हैं 2017 से शायद हरमन को याद ना हो कि स्टूडियो में आई थी याद है आप याद है दिखाते हैं जब हरमनप्रीत कौर आई थी हमारे स्टूडियो हरमनप्रीत कौर हरमन आई होप यू एंजॉयड दिस वेलकम थैंक यू सो मच पहचान में नहीं आ रहा कोई भी यू आर लुकिंग सो वंडरफुल बचपन की हरमनप्रीत कौर कैसी थी नोगा की गलियों में थोड़ा ये बताया हरमन आई थिंक मेरे में ज्यादा चेंजेस नहीं आए जो मैं पहले थी अभी भी वैसे ही हूँ पापा मम्मी पापा का तो बहुत सपोर्ट था आई थिंक मैंने ज्यादा स्ट्रगल नहीं करा मेरे पापा ने ज्यादा स्ट्रगल करा है पहले सोच रखा था कि जब बच्ची जन्म हुआ तो मैं इनको आगे खेलने का मौका दूँ हमारा कैंप चल रहा था इंडिया कैंप और वहाँ पे एक वीडियो एनालिस्ट लड़का होता था किरण तो वो भी बहुत फैन है सहवाग का तो हम दोनों ने सेटिंग करी थी कि जैसे ही सहवाग आएगा ना तो मैं तुझे बता दूंगा तू बस इमीडिएटली आ जाना फिर मत बोला कि तेरा मौका चला गया तो मैं वहाँ से भाग के गई और मैंने जैसे देखा मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहे थे कि लाइक सर मेरे सामने खड़े हैं और फिर उन्होंने मुझे हक करा कहते बैठ जा क्या लाइक क्या बात करनी है मेरे साथ बात कर कितनी देर तक वो बैठे थे क्या सरप्राइज है हरमनप्रीत कौर के लिए भाई पेश किया जाए द इंटायर कंट्री इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स यू ऑल आर चैंपियंस एंड सेंडिंग यू हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस एंड लोड्स एंड लोड्स एंड लोड्स ऑफ लव वाओ हाय हरमिंदर सिंह जी और क्या चल रहा है और जब भी कोई पूछता है लाइक आपको लड़का कैसा चाहिए मैं हमेशा पापा को बोलती हूँ एक तो मुझे डॉक्टर चाहिए और ये तो फिर रणवीर सिंह जैसा चाहिए बड़ा रिस्क लेके मैंने उस वीडियो के बाद अंकल से पूछा था क्या चल रहा है मेरे को पता था स्टूडियो और माइक लगा हुआ है लेकिन मैं कहीं से बिकॉज हरमन ने स्टोरी बताई थी वो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं उनके जब पोस्टर लगाए थे आपने और नहीं पहले थोड़े से थे थोड़े से दिखते लेकिन अभी तो मतलब टोटली चेंज हो चुके हैं टोटली चेंज कर दिया आपने चेंज सीरियसली दोनों हमारे घर पे मतलब सब लोग यही बात करते हैं कि जो बचपन में हमने पापा को देखा था और जो अभी देखते हैं ना अभी ऐसा लगता है कि मतलब सेम पर्सन तो नहीं है ये तो कोई और ही है क्योंकि कोई भी चीज़ बोलने से पहले ही वो रेडी रखते हैं आई थिंक इज टोटली चेंज